सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर चल रहे जिला फुटबॉल लीग में गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस और कर्मक्षेत्र वॉरियर के बीच खेले गए मैच में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी गोल कर नहीं सका और मैच गोल रहित समाप्त हुआ। लीग का अन्य मैच पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय और स्टार स्पोर्टिंग के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टार स्पोर्टिंग को 2-0 से हराया। खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने आए प्रबंध निदेशक सूट प्लस अमर तुलस्यान ने खिलाड़ियों से परिचय लिया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल लीग के सेक्रेटरी हमजा खान, पूर्व फुटबॉल सचिव NP गौड़, सहयोगी कुर्बान अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रबंध निदेशक सूट प्लस अमर तुलस्यान ने कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए, इनका थोड़ा बहुत शक्ति और एक्टिव है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए उनके फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस के लिए और जो किट्स की ज़रूरत होती है वो एक सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी स्पोर्ट्स में। उसके लिए खिलाड़ियों को ज़रूर एक अच्छे स्पॉन्सरर्स अगर होते हैं, किट्स की व्यवस्था है, उनके ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच हैं और फैसिलिटीज़ हैं, तो उससे कोई भी स्पोर्ट्स बढ़ता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट हर जगह पॉपुलर है क्योंकि उसमें जिस तरीके से पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसी वजह से आज ये है कि विश्व में हमारे क्रिकेट में एक पहचान है। और जैसे हाल में ही फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल संपन्न हुआ और हमारे भारत जैसा इतना बड़ा देश उसमें कहीं भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये एक रैंक है, तो इसलिए ये ज़रूर है कि हमें इसके लिए देश में एक अलग से जागृति अगर हो, जो विश्व का इतना प्रसिद्ध खेल है फुटबॉल उसमें हम इतने पिछड़े हुए हैं, तो शायद अगर खिलाड़ियों को अच्छा प्रोत्साहन मिले और इनके जो ट्रेनर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना शायद वो चीज़ें बहुत संभव नहीं है। पहली पहल सरकार को करनी, अगर होगी तो निश्चित ही ये खेल भी एक अपनी नई पहचान बना सकता है विश्व में।